चंपई की चाल से अनजान नहीं हेमंत सोरेन, फिर भी क्यों नहीं ले रहे हैं? आइए जानते हैं सीएम की खामोशी के पीछे का राज। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बागी तेवर के बावजूद हेमंत सोरेन ने अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। वे जेएमएम से इतर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं, वो एक नए साथी की तलाश कर रहे हैं। अपनी सभा में वो लगातार सीएम रहते किए गए अपने काम को गिना रहे हैं। झारखंड को आगे ले जाने का सपना लोगों को दिखा रहे हैं। उनकी सभाओं में खासा भीड़ भी जुट रही है। वे लोगों को बता रहे हैं कि अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भीड़ की आवाज हर मोड़ पर कोलान के टाइगर चंपई सोरेन के साथ में हामी भरती दिख रही है। चंपई अपनी सभाओं के पोस्टर बैनर में पूर्व सीएम या मंत्री का पदनाम भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये पोस्टर बैनर का रंग भी जेएमएम का नहीं रहा। चंपई ने ऐसा सोचा या ठाना तो इनके लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सीता सोरेन ने भी जेएमएम का साथ छोड़ दिया है। वे जेएमएम के प्रमुख सीबू सोरेन के घर की, वे चंपई या कोई अन्य जेएमएम से अलग हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अलगता आश्चर्य इस बात को लेकर है कि सब कुछ देखने सुनने और समझने के बावजूद हेमंत सोरेन ने अपने ओर वे चंपई सोरेन पर सीधे कुछ क्यों नहीं बोल रहे। हेमंत सोरेन के बहाने भाजपा पर निशाना साधते हैं। चंपई के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। कोई इस तरह की बात करने वाली भाजपा ने भी बाएं फैलाकर एनडीए में उनका स्वागत किया। बहरहाल चंपई के तेवर से ऐसा नहीं लगता कि वो जेएमएम की राजनीति करे। सोमवार की रात को 10 दिनों के भीतर दोबारा कोलकाता के रास्ते दिल्ली निकले। माना जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद आगे की राजनीति वो सार्वजनिक कर सकते। शहीद का मौका नहीं देना चाहते हैं हेमंत सोरेन। बहरहाल हेमंत सोरेन के बागी तेवर देखने के बाद अगर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इसकी कूटनीतिक कारण चंपई को सीएम पद से हटाने की खामियाजा ही है कि उन्हें उनकी बगावत झेलने की नौबत आई है। अगर उन्होंने जेएमएम और मंत्रिमंडल से निकाला तो चंपई अपने को शहीद बताकर लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर सकते हैं। हेमंत इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो इंतजार करेंगे कि चंपई खुद ब खुद किनारे हो जाए। उन्हें शहादत का मौका नहीं मिले। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।